अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ऐसे व्लॉग्स पे आप सब लोगों को खुश आमदे। और अभी हागिया सोफिया इस्तांबुल आजकल न्यूज़ में, अभी आपको पता होगा पिछले दिनों में एक बड़ी ब्रेकिंग किस्म की न्यूज़ आई है, तकरीबन ऑल ओवर दी वर्ल्ड उस पर रिएक्शन भी आया, मिक्स किस्म का रिएक्शन आया। हागिया सोफिया जो है, जो एक 1500 साल पुरानी जो आइकॉनिक एक आर्किटेक्चर है, उसको जो है अभी कन्वर्ट किया गया मॉस्क में, मस्जिद में, जो कि 1935 में जिसको म्यूजियम में चेंज कर दिया गया था। बेसिकली हुआ इस तरह का था, 1453 में बाजंतीनी जो एम्पायर थी, बेसिकली उसका खात्मा हुआ था। मोहम्मद द कॉन्करर, फातेह के नाम से उनको जाना जाता है, उन्होंने जब इस्तांबुल, जिसको उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तनतुनिया बोला जाता था, उन्होंने उसको फतह किया था। तो ये उस वक्त चर्च होती थी, ये तकरीबन चौथी या पांचवी सदी में ये बनी थी। ये जो हागिया सोफिया बिल्डिंग है, चर्च है, बहुत एक आइकॉनिक है, नो डाउट, एब्सोल्युटली। तो वो जब कॉन्कर किया था, इन्होंने इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था प्रॉपरली, मतलब विदाउट किसी कॉन्फ्लिक्ट के, किसी लड़ाई के, झगड़े के, क्योंकि उन्होंने कॉन्कर किया था इस्तांबुल, कुस्तनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल उस जमाने में। तो उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर, जो खिलाफत उस्मानिया का राज रहा है जितना अर्सा, तो जब पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ, तो कमाल अतातुर्क जो बिल्कुल, उन्होंने डायनेमिक्स जो हैं बिल्कुल शिफ्ट कर दिए टर्की के, तो उन्होंने इसको सेकुलरिज्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो मस्जिद थी 1935 तक, तो उन्होंने उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको एज ए मस्जिद उसको इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा दी, और उनको पूरी कोशिश थी इसको सेकुलर कर दिया जाए, लेकिन वो भूल गए थे कि ये वो ऑटोमन एम्पायर है, ये खिलाफत उस्मानी है, जिन्होंने इस्लाम के लिए जंगें लड़ी, इस्लाम की खातिर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, और उन्होंने एक छोटा सा कबीला, छोटे से कबीला, तुर्क कबीला, वो इतना बड़ा, उन्होंने इतना अपने आप को मैनेज किया कि वो करते करते खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखेगी, जो उस्मान के नाम से, जो उस्मान था, जो उस उनकी जो नस्ल आगे चली थी, उन्होंने फिर एक राज किया था पूरे पूरे जो है ये ईस्टर्न यूरोप के ऊपर, वेस्टर्न एशिया, कुछ अफ्रीका के पार्ट्स थे जो इतना अर्सा तक। तो बेसिकली अभी जो इसको कन्वर्ट किया गया है, उसको एक लीगली तौर पे कन्वर्ट किया गया मस्जिद में, उसका वो उसमें आप उसको विजिट भी किया जा सकेगा, मतलब वो जब नमाज के टाइम पे उधर विजिट कोई नहीं हुआ करेगा, बट नमाज के औकात के जो दूसरे टाइमों को उसके अंदर लोग विजिट किया करेंगे। तो इसको चेंज किया अभी तैयब अर्दोगान ने, एक उसको लीगली उसको एक एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके अंदर उन्होंने इसको एज ए मस्जिद उसको पुरानी हालत में बहाल किया जब 1453 में। तो ये जो बिल्डिंग है ये इसी घूम चक्कर में रही है, मतलब जब बनी है तो उसके बाजंतीनी एम्पायर के पास थी, तो एक बहुत अरसे तक चर्च रहा, कैथीड्रल चर्च रहा, चर्च के बाद 1453 में जब इसको कॉन्कर किया, फिर ये मस्जिद बनी, 1935 तक ये मस्जिद रही। कमाल अतातुर्क आया, उसने डायनेमिक्स टोटली शिफ्ट कर दिए, उसने ट्रूली इस्लामिक वैल्यू से उसने इसको सेकुलरिज्म पे शिफ्ट कर दिया, मस्जिद को उसने इसको एज ए म्यूजियम उसको कन्वर्ट कर दिया। उसकी पूरी कोशिश थी कि जो इस्लाम है उसको जो है वो बिल्कुल साइड पे किया जाए, कि रिलीजन को है जो 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 मुल्क के साथ उसको अटैच नहीं किया जाए, आइन में उसकी कोई जगह ना दी जाए, उसकी पूरी कोशिश थी। बट कोशिश तो उसकी थी, तो लेकिन वो आज भी उस इस्लाम जो है, जो उनकी रिवायात है, जो उनकी तारीख है, तुर्क आज भी उस पर बहुत फख्र करते हैं, तुर्कों को आज भी उस चीज़ पर नाज है, उनको आज भी इस चीज़ पर फख्र है कि हम लोग थे जिन्होंने राज किया, हम लोग थे जिन हमारे अबाउ अजदाद थे जिन्होंने इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत, अपनी जाने कुर्बान करके, उन्हें अल्लाह की राह में जिहाद करके, उन्होंने इस ये सलीबियों, ये ईसाइयत के ऊपर इन्होंने कब्जा किया और इस्लाम का परचम बुलंद किया। तो सेकुलर तो कर दिया अतातुर्क ने, लेकिन इस्लाम को नहीं निकाल सका, क्योंकि जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक डाली कि कभी भी अगर ये सेकुलरिज्म से थोड़ा सा हटता है टर्की, तो जो है आर्मी जो है उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो जब आर्मी ने इंटरफेयर किया, 97 में भी किया, 60 में भी किया, आई थिंक 85 में भी किया, इसी वजह से कि जैसे ही वो थोड़ा उसका पैराडाइम शिफ्ट होता था इस्लाम की तरफ, 97 में भी, लास्ट टाइम 2016 में जब किया, तो तब वो फेल हो गया, वो कूप जो है फेल हो गया, मतलब वो अटेम्प्ट बगावत जो नाकाम बना देगी। सोशल मीडिया का दौर था, तैयब अर्दोगान जो है वो सामने आया, उसने लोगों को बताया, लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। सो दैट वॉज द इंटेंशन ऑफ पीपल, के अभी भी उनके उनके दिल में इस्लाम है, अभी भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी वो अपनी रवायात से आज भी जुड़े हुए हैं। जितनी मर्जी कोशिश हो जाए, वो लोग अपनी तारीख को नहीं भूलना चाह रहे, वो लोग उस चीज़ को नहीं भूलना चाह रहे कि उनके अब्बा अजदाद ने कितनी कितनी मुशक्कतें और जाने कुर्बान करके, नस्लों तक एक मेहनत करके उन्होंने एक अजीम एम्पायर, एक सल्तनत कायम की थी, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, और उसको कोशिश पूरी की गई थी उसको इस्लाम को। जब भी इलेक्शन हुआ टर्की में, ये चीज़ ये लोगों ने हमेशा जो है
इस्लामिक साइड जो पार्टी जो थी उसका उन्होंने साथ दिया। ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करी है कि लोग अभी भी उनके दिलों में है। मतलब सेकुलर तो आपने कर दिया, आपने हिजाब पे भी पाबंदी लगा दी, आपने आपने पूरी कोशिश की कि मतलब जनरली आप जिस तरह भी आप जिंदगी गुजारना चाहते हो अपनी मर्जी से गुजारो, लेकिन इस्लाम में आज भी लोगों के दिलों में। तो हागिया सूफिया भी बेसिकली ये इट वॉज कन्वर्टेड इन टू मॉस्क इन 1453 बाय मोहम्मद द कॉन्करर। उसके बाद टिल 1935 इट वॉज मॉस्क, और अभी इसको ओरिजिनल हालत में बहाल किया गया। और तारीख में ये गवाह जब अच्छा स्पेन जब फतह हुआ था, जब ईसाइयों ने स्पेन मुसलमानों से 700 साल बाद लिया था, तो उन्होंने भी जो 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 मस्जिद थी उसको चर्च में कन्वर्ट किया था, तब किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन अब शोर मचाया जा रहा है। सो आई थिंक देर इज नो कॉन्ट्रोवर्सी, कोई भी इसमें शुबा नहीं होना चाहिए कि मस्जिद में बदल गई है। सो दैट वॉज द हागिया सोफिया बेसिकली, जो वीडियो का मकसद ये था कि इसको कन्वर्ट किया गया था कि इसके ऊपर जो शोर मचा है इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग ऐसा व्लॉग्स, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।